खालिस्तानी जोकर पुन्नू की धमकी व धर्मशाला में वॉल राइटिंग के बाद चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है पुलिस। निज्जर की हत्या व अपनी प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद मानसिक रूप से परेशान लग रहा है भिंडरा वाले का चेला। हाल ही में कैनेडियन यूट्यूबर नैंसी ग्रेवाल गुरपतवंत पुन्नू को याद दिला चुकी है औकात। पुन्नू को उसी की भाषा में धमकाते हुए नैंसी ने कहा था, तेरे पापा का ना हिंदुस्तान है ना कनाडा। गत रात्रि धर्मशाला में जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर ऑफिस के समीप की गई थी वॉल राइटिंग। धर्मशाला में लिखे गए खालिस्तान जिंदाबाद, हिमाचल बनेगा खालिस्तान व आतंकी निज्जर की मौत संबंधी स्लोगन लिखने वालों का पता लगा रही है पुलिस। लास्ट ईयर मई माह में भी धर्मशाला विधानसभा परिसर में की गई थी खालिस्तान के समर्थन में वॉल राइटिंग। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री के अनुसार वॉल राइटिंग को लेकर खुफिया इनपुट के आधार पर गहन छानबीन कर रही है पुलिस। 7 अक्टूबर को आईसीसी वर्ल्ड कप मैच के दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध की जानकारी देते हुए एसपी ने आम लोगों से संदिग्धों की सूचना देने का भी आग्रह किया। 90% से ज्यादा हिंदुओं व 1% सिखों वाले हिमाचल को खालिस्तान बनाने का तर्क आम लोगों की समझ से परे। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद पहले से ज्यादा देखी जा रही है खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियाँ। पंजाब में एनआईए कई खालिस्तानियों की संपत्ति जब्त कर चुकी है तो कनाडा व पाकिस्तान में भी अज्ञात हमलावर कर रहे हैं खालिस्तानियों का शिकार। वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं उसमें फाइनल जो अहमदाबाद में होंगे उसको लेके टारगेटेड वे में खालिस्तानी समर्थक जो ग्रुप है SFJ उनके द्वारा एक इशू किया गया है। और सिमिलरली कल जो है पिछले कल देर रात जो है धर्मशाला में भी एक स्लोगन राइटिंग खालिस्तान जिंदाबाद का जो ग्रेफिटी है वो सामने आया है, जिसको पुलिस टीम द्वारा जो है इसमें हमने संज्ञान लिया है और FIR पुलिस स्टेशन सदर में इसमें दर्ज किया है। इसमें पुलिस की टीम्स एक्टिवेट कर दी गई है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स पे एक्टिवेट कर दी गई है। इंडो कनेडियन हिंदूज, यू हैव रिप्यूडेटेड योर एलिजेंस टू कनाडा एंड कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन अक्टूबर 29th शहीद निज्जर किल इंडिया रेफरेंडम इज हैपनिंग इन वैंकूवर। तू नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल बंदा है, तू बहुत नफरत फैला रहे हैं, तू कौम दे विच दंगे कराने फिर रहे हैं कि सिख ते हिंदू आपस लड़ पैन, सिख मुसलमान लड़ पैन। मतलब तू जड़ी ओ ब्रिटिश वाले ने 1947 च जड़ी पॉलिसी खेली सी ना डिवाइड एंड रूल, ओ ना कर। हिल गया तू, तो हिल गया इदा 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 हिल के कंधा च ना वज, क्योंकि ज्यादा हिलना सेहत वास्ते चंगा नहीं हुंदा। बंदा कई बार हिलदा हिलदा गडर विच भी उदे मुंह डिग पैंदा है, ठीक है। ये राजनीति है पन्नू अंकल, राजनीति। सो हुण पन्नू दे अंदर जिहड़ा जहर भरिया सी हिंदू कौम नू लैके, हुण हौली 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 बाहर उगल रहा है। कहिंदा भी जिहड़े इंडो कनेडियन हिंदूज ने वह जाओ भी लीव दिस कंट्री, क्यों पन्नू अंकल आपके पप्पा का कनेडा है। तब अभी कभी बोलते हो अज कुरुक्षेत्र ते चंडा चढ़ा था, कल हरियाणा ते चढ़ा था, अज दिल्ली लेके रवांगे, हुण असीं कनेडा लेके रवांगे। ए पन्नू अंकल गजरेले दी बर्फी है, समझा होया तू कनेडा नू इंडिया नू, कदी किते झंडा चढ़ा दिना कदी किते चढ़ा दिना। मेरी गल सुन, जिहड़े लोग इत्थों दे वसनीक आ ना इंडो कनेडियन हिंदू, तू अपने पछवाड़े तक भी जोर ला ला, उन्हां नू कढ नहीं सकदा इत्थों, क्योंकि तेरे प्यो दा इत्थे कानून नहीं चलदा ते तेरा कनेडा नहीं है। सिख फॉर जस्टिस के मुखिया बताए जाने वाले खालिस्तानी जोकर गुरपतवंत सिंह पुन्नू की धमकियां बेशक अब अधिकतर लोगों के लिए महज मनोरंजन का जरिया बन गई हो, मगर पुलिस अथवा सुरक्षा एजेंसियां अपनी ड्यूटी के मुताबिक इन्हें गंभीरता से ले रही है। विदेशी धरती से कई बार PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व हिमाचल के मुख्यमंत्रियों को ऑडियो वीडियो मैसेज के माध्यम से धमकियां देने की आदि हो चुके गुरपतवंत सिंह पुन्नू ने उनके साथ ही आतंकी निज्जर की हत्या व पंजाब में अपनी संपत्ति NIA के कब्जे में जाता देख ICC वर्ल्ड कप को टेरर कप बनाने की गीदड़ भभकी दी है। इस धमकी के बाद गत रात्रि हिमाचल के धर्मशाला में खालिस्तान के समर्थन में की गई वॉल राइटिंग के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा सतर्क हो चुकी है। SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री के मुताबिक खुफिया विभाग के इनपुट के आधार पर पुलिस वॉल राइटिंग करने वालों का पता लगाने के लिए गहन छानबीन कर रही है और 7 अक्टूबर को होने वाले मैच से पहले ही चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। धर्मशाला में होने वाले वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान उन्होंने होटल व गेस्ट हाउस मालिकों तथा आम लोगों से संदिग्धों पर नजर रखने व उनकी सूचना पुलिस को देने की अपील की है। धर्मशाला में जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय के समीप हिमाचल बनेगा खालिस्तान, खालिस्तान जिंदाबाद व आतंकी निज्जर की हत्या के लिए PM, होम मिनिस्टर व NSA को जिम्मेदार ठहराने जैसे स्लोगन लिखे गए थे, जिन्हें पुलिस द्वारा मिटाया जा चुका है। इससे पहले लास्ट ईयर मई माह में भी धर्मशाला में शीतकालीन विधानसभा परिसर में खालिस्तानी वॉल राइटिंग हुई थी और इस मामले में पुलिस ने रोपड़ के दो युवाओं को भी गिरफ्तार किया था।
पुन्नू की वर्ल्ड कप संबंधी धमकी के बाद हुई वॉल राइटिंग को लेकर जानकारी के अनुसार अब तक हालांकि हिमाचल पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, मगर आरोपियों की तलाश जोर शोर से जारी है। विदेशी धरती से कई बार प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री व हिमाचल के मुख्यमंत्रियों को धमकी दे चुके खालिस्तानी जोकर पुन्नू को हाल ही में कैनेडियन यूट्यूबर नैन्सी ग्रेवाल ने उसकी औकात याद दिलाई थी और कनाडा के हिंदुओं को चेतावनी देने पर उसी की भाषा में जवाब दिया था। नैन्सी ग्रेवाल ने जगह जगह झंडा फहराने के पुन्नू के दावे पर जहां उसी के स्तर का कमेंट किया था, वहीं हिंदुस्तान व कनाडा उसके बाप का न होने की बात भी कही थी। पंजाब और भारत में NIA द्वारा पुन्नू सहित कई खालिस्तानियों की संपत्ति जब्त किए जाने व आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान व कनाडा में अज्ञात लोगों द्वारा भिंडरांवाले के चेलों को चुन चुन कर उड़ाए जाने के बाद अब कई लोग ऐसे लोगों की गीदड़ भभकियों को मनोरंजन का साधन भी मान रहे हैं। बहरहाल कनाडा व पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी अज्ञात हमलावरों के खौफ में डर डर कर जी रहे खालिस्तानियों की धमकी को बेशक लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, मगर पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां धर्मशाला स्टेडियम में होने वाले वर्ल्ड कप मैचेस को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी कह चुके हैं कि ICC वर्ल्ड कप मैचेस के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और हिमाचल अपनी परंपरा के मुताबिक क्रिकेटर्स के भव्य स्वागत के लिए तैयार है। वीडियो मैसेज सर्कुलेशन में है जिसमें कि वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं उसमें फाइनल जो अहमदाबाद में होंगे उसको लेकर टारगेटेड वे में खालिस्तानी समर्थक जो ग्रुप है SFJ उनके द्वारा एक इशू किया गया है। और सिमिलरली कल जो है पिछले कल देर रात जो है धर्मशाला में भी एक स्लोगन राइटिंग खालिस्तान जिंदाबाद का जो ग्रेफिटी है वो सामने आया, जिसको पुलिस टीम द्वारा जो है इसमें हमने संज्ञान लिया है और FIR पुलिस स्टेशन सदर में इसमें दर्ज किए। इसमें पुलिस की टीम्स एक्टिवेट कर दी गई हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स भी एक्टिवेट कर दी गई हैं और इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे मैटर को हम देखिए सस्पेक्टेड लोग हैं और एविडेंसेज हमने कलेक्ट किए हैं मौके से, उसी पे पुलिस उन्हीं लीड्स पे काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही जो है इसमें जो ये पूरा मैटर है ये क्रैक किया जाएगा और फर्दर इसको हम लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे। कौन लोग थे और किस तरह से ये वॉल राइटिंग हुई है इस पर पुलिस फोकस कर रही है और क्योंकि धर्मशाला में भी 5 वर्ल्ड कप के मैचेज होना निर्धारित है तो इस वीडियो ऑडियो मैसेज को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो अपनी टीम है उसको बीपअप कर रहे हैं और हमारे जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है और किस तरह के लिंक्स इसमें इन्वॉल्व है वो भी हम इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट है और उस एस्पेक्ट पे भी पुलिस टीम जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए पुलिस सुरक्षा वर्ल्ड कप मैचेस के लिए ऑलरेडी हमने पुख्ता प्लान बनाया और क्योंकि इस तरह की वीडियो ऑडियो मैसेज जो भी वायरल हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इस दिशा में भी पुलिस जो है एडिशनल अपने सर्विलेंस और मॉनिटरिंग टीम्स हम गठित कर चुके हैं और वो सभी एरियाज में जो है सर्विलेंस हमने इंटेंसिफाई कर दी है। कांगड़ा ज़िला में जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी सर्विलेंस इंक्रीज की गई। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि यदि आप कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या व्यक्ति अपने आसपास नोटिस करते हैं तो काइंडली पुलिस को तुरंत जो है सूचना दें और जिन भी जगहों पर होटल या गेस्ट हाउसेज या इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो पुलिस को सहयोग करें और जो भी आपके गेस्ट्स आते हैं या कुछ आते हैं उनकी प्रॉपर IDs लें और उनका पूरा प्रॉपर जो है सी फॉर्म भरें और जो भी इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ है कंप्लीट करें और यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई सिचुएशन आपको ऐसी लगती है तो तुरंत जो है पुलिस को जो है संपर्क किया जाए। पुलिस की ड्यूटी अपने जो भी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आते हैं उनको देंगे। हिमाचल तो वैसे भी अपनी अतिथि देवो संस्कृति की एक पहचान रखता है। कुछ एक शरारती लोग होते हैं जो इस प्रकार की वारदात पीछे जब और समय विधानसभा का था तब भी लिख दिया था।